अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। चलते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का कायमी पैटिस का जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में से इस टॉपिक में चलता है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन सबसे पहले गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। उसने ऑब्जर्व किया कि जो तमाम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो तमाम फ्रीली फॉलिंग का ज़्यादा ना नीचे गिरते हैं, तो उनका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो एक जैसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट को उसने लीडिंग टावर ऑफ पीसा पीसा के जुपिटर मीनार से उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट पीसा के जुपिटर मीनार से उसने नीचे गिराया वन बाई वन। इस तरह उसके पास बुक थी, पेंसिल थी, उसके पास पेज था, समथिंग उस पर जो भी था उसने नीचे वन बाई वन गिराया। तो उसने ये ऑब्जर्व किया और साथ में ये प्रिडिक्ट किया कि जो तमाम बॉडीज हैं जो फ्रीली फॉलिंग मूव करते हैं, नीचे गिरते हैं ज़्यादा दूर पर, उनका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो एक जैसा होता है। और साथ में कंडीशन ये इम्पोज की कि अगर उनके जो मैसेज हैं वो उनको इग्नोर कर दिया जाए। और उसने ये साथ में एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि अगर तमाम बॉडीज हैं अगर उनके मैसेज को इग्नोर कर दिया जाए, तो पीसा के जुपिटर मीनार उसने जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट नीचे गिराए तो उसने कहा इनका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एक तो सेम होता है और सेकंडली वो जो है वो एक ही वक्त में नीचे गिरते हैं अगर उनके मैसेज को इग्नोर कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है और मेरे पास एक चौक है, अगर इन दोनों को एक ही हाइट से नीचे गिराया जाए तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो प्रेडिक्शन इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन एक जैसा है। सेकंडली और ये दोनों ही एक वक्त में जमीन पर गिरने चाहिए। और शर्त क्या है, कंडीशन क्या है जी, अगर इनके मैसेज को इग्नोर कर दिया है। एक्सपेरिमेंट उसने कहाँ पे किया था, लीडिंग टावर ऑफ पीसा, इसको डिस्कवर करने वाला बंदा कौन था जी, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। और ग्रेविटेशन है क्या, ग्रेविटेशन है फ्रीली फॉलिंग एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, फ्रीली फॉलिंग एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बॉडीज भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, सेम ही नहीं है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को जो रिलेट किया जाता है वो स्मॉल जी से रिलेट किया जाता है। और इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट है, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि टर्म यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो जो यूनिट एक्सेलरेशन का होगा वही यूनिट यहाँ पे जो होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का होगा। अब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.8 है और आपके लेवल में 10 यूज करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो यहाँ पे 5 से बड़ा है तो इसको हम क्या करते हैं, एक वन डिजिट इंक्रीज कर देते हैं प्रीवियस में, तो ये 10 हो जाता है। तो आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड एवरेज वैल्यू है वो 10 है। अब ग्रेविटेशनल क्यों जमीन पे बॉडीज गिरते हैं, जमीन पे बॉडीज इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक फोर्स मौजूद है जो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, खींचती है। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। उस ग्रेविटेशन फोर्स से ही इसका नाम है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। क्योंकि अर्थ की जो अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, इस वजह से इसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फ्रीली फॉलिंग मूव करता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब नीचे से ऊपर की तरफ जब कोई बॉडी जाता है तो तब उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव होती है। वो इसलिए जब बॉडी नीचे की तरफ आ जाता है तो उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग टू ग्रेविटी होती है, अलॉन्ग टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के तहत काम कर रहा है। और जब कोई ऊपर को जा रहा था वो ऑपोजिट टू द ग्रेविटी काम कर रहा था, जब ऑपोजिट टू द ग्रेविटी काम करेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया कि जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो तब जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में। और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे ज़्यादा ना मूव करेगा तो फिर क्या होगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अब वेरिएशन इन इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से जो इक्वेशन का मोशन है उनमें वेरिएशन क्या आती है, उनमें चेंज क्या आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज रहती है लेकिन दो चीज़ें रिप्लेस होती हैं, जो एक्सेलरेशन होता है
जो ए होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जी में, और जो एस होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एच में। बाकी सारी की सारी वेरिएशन वही की वही रहती है। अब देखिए जरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन हमारे पास थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें वी एम भी वही रहना है, वी आई भी वही रहना है, टाइम भी वही रहना है। जहां पे ए है वहां पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है, जी रिप्लेस कर देना। तो ये बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, प्लस जी क्या है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और टी क्या है यहाँ पे टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी वही चेंज आएगा लेकिन इसमें दो टर्म में चेंज होगी, एक तो एक्सेलरेशन ए और दूसरा डिस्टेंस। एस को रिप्लेस कर देंगे एच में और जो ए है वो रिप्लेस हो जाएगा जी में, स्मॉल जी में। तो अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी आएगी तो वो कौन सी होगी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी जी टी हाफ जी टी स्क्वायर। अब एच क्या है, हाइट है बॉडी की जो कि ऑपोजिट टू द ग्रेविटी कम करेगा या अलॉन्ग द ग्रेविटी काम करेगा। वी आई उसकी नीचे प्लास्टिक टी टाइम, और जी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन होगा जो उसका फ्रीली फॉलिंग मूव जब करेगा, और टी क्या होगा टाइम होगा। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहां पे जब रिप्लेस करेंगे यहां पे भी रिप्लेस दो टर्म में होगी, एक a और दूसरा s। a को रिप्लेस कर दिया जाएगा g में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में, वो सिर्फ एक्सेलरेशन ही होगा वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, और यहां पे s है s को रिप्लेस कर दिया जाएगा h में। अब बात आती है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये एक्सेलरेशन ये भी है ये भी एक्सेलरेशन है, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। जब ऑन द सरफेस द बॉडी मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन सिंपल एक्सेलरेशन होता है, उसकी मोशन जो होती है उसकी मोशन में जो चेंज होता है वेलोसिटी में चेंज होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होती है वो एक्सेलरेशन होता है सिंपल एक्सेलरेशन। जब बॉडी एयर में मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटी मूव करता है वैक्यूम में, तो क्या है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है जी, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। वहां पे ग्रेविटी वर्क करती है क्योंकि जब कोई बॉडी जमीन पे पड़ा है तो उसका ग्रेविटी वर्क तो कर रही है लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती, जब उस पे थोड़ा सा हवा में बलक हो जाएगा तो फिर उस पर ग्रेविटी ज्यादा वर्क करेगी। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से पूछा जा सकता है कि वेरिएशन इन इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी आप बता दें क्या है, तो उसमें सिंपल क्या है आपने ए को रिप्लेस कर देना जी में और एस को रिप्लेस कर देना एच में। ये आपका लास्ट टॉपिक था, अगर आप जब न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे जब वो टर्म आ जाएगी तो वो बाल को वर्टिकली हिट किया जाएगा ऊपर की तरफ, तो तब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी यूज करेंगे ना कि सिंपल हम यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के टॉपिक समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के टॉपिक अगर आपको मिले।